Hello 10th class, today we will learn chemistry, chapter 2, lecture 21st. Well, बेटा आज का जो हमारा टॉपिक है वो है precipitation of hydroxide. अब precipitation का मतलब क्या होता है? रसूख बन जाना, गाढ़ा रसूख बन जाना, ठीक है. जाहिर है जब कोई सोल्यूशन बनता है तो अगर आप उसको हिलाते नहीं तो उसके जो जो कुछ अज़ा हैं वो क्या हो जाएंगे, नीचे रसूख की शक्ल में नीचे बैठ जाएंगे, ठीक है. तो आज हम ये हाइड्रोजन ऑक्साइड का जो प्रेसिपिटेशन है वो पढ़ेंगे. इसलिए हमारे पास जो रिएक्शन है ना, पहला रिएक्शन है, द फर्स्ट रिएक्शन वी विल डील हियर, वो है कॉपर सल्फेट है. कॉपर सल्फेट का रिएक्शन है बेटा सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ. इन सब का रिएक्शन, ये जो चीज़ें ये बदलेंगी लेकिन जो बेस है वो वही रहेगी. तो इसका रिएक्शन है किसके साथ? कॉपर सल्फेट का सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ है. तो ये बनेगी बेटा, कॉपर जो है ये हाइड्रोक्साइड के साथ मिल जाएगी. तो ये बन गया कॉपर हाइड्रोक्साइड. तो उसके साथ जो चीज़ बनती है वो है सोडियम सल्फेट. क्लियर? इसको बैलेंस कर लेते हैं, पुट टू हियर एंड दिस बिकम बैलेंस. And the second one example we have here, वो है बेटा जिंक क्लोराइड का रिएक्शन है. किसके साथ? सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, ठीक है. ये सोडियम किसके साथ मिलेगा? इसके साथ. ये जिंक हाइड्रोक्साइड के साथ मिलेगा सोडियम क्लोरीन के साथ. क्या चीज़ बनेगी? जिंक हाइड्रोक्साइड. और क्या चीज़ बनेगी? सोडियम क्लोराइड. क्या? सोडियम क्लोराइड. क्लियर? अब बेटा नेक्स्ट बात करते हैं, ये बैलेंस करते हैं, पुट टू हियर दिस बिकम बैलेंस. वेल द थर्ड वन एग्जांपल वी हैव हियर, आयरन क्लोराइड FeCl3. वेल तो इसका रिएक्शन किसके साथ? सोडियम हाइड्रोक्साइड. तो आयरन जो है वो किसके साथ मिलेगा? हाइड्रोक्साइड के साथ मिलेगा. और हमारे पास जो चीज़ बनेगी वो है सोडियम और क्लोराइड. क्या चीज़? सोडियम एंड क्लोराइड. क्लियर? अब आप इसको बैलेंस कर लें, पुट थ्री हियर एंड थ्री हियर आल्सो. अब जो बेटा नेक्स्ट हमारे पास है वो है लेड. लेड है और उसका जो रिएक्शन होता है वो उसके साथ होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड. क्लियर? यहाँ पर जोड़ जाते हैं. तो ये जो प्रोसेस है ये क्या होगा? चीज बनेगी. ये जो लेड है किसके साथ? हाइड्रोक्साइड के साथ मिलेगा सोडियम नाइट्रेट के साथ. क्लियर? तो बैलेंस कर लेंगे, यहाँ पर टू लगा देंगे और यहाँ पर टू, ये बैलेंस हो गया. उसके बाद है बेटा हमारे पास है कैल्शियम क्लोराइड. रिएक्शन किसके साथ? सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ. क्या बनेगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और ये बनेगा सोडियम क्लोराइड, ठीक है. यहाँ पर टेबल लगा दिया, यहाँ पर टेबल लगा दिया, ये क्या हो गया? बैलेंस हो गया. फिर उसके बाद बेटा फेरस सल्फेट है, सोडियम हाइड्रोक्साइड. और ये जब इसके साथ रिएक्शन करेगी तो ये बनेगा फेरस हाइड्रोक्साइड और बनेगा सोडियम सल्फेट. क्या? और ये इनके कुछ कलर्स भी दिए हुए हैं आपके बुक के ऊपर.
उनको अपने डिस्कस कर लेना। ये जैसे ये सबसे पहले हमारे पास है ये कॉपर हाइड्रोक्साइड, इसका ब्लू कलर है और ये PPT लिखा हुआ है, इसका मतलब प्रेसिपिटेट है। जिंक का वाइट कलर है और इसका आयरन का जो ब्राउन कलर है, और ये जो लेड हाइड्रोक्साइड है इसका वाइट है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है इसका भी वाइट कलर है, और आयरन हाइड्रोक्साइड जो है इसका डाइटी ग्रीन कलर है। क्लियर। उसके बाद बेटा हमारे पास है यूजेज ऑफ बेसिस। लास्ट लेक्चर में हमने लास्ट टाइम पढ़ा था ये यूजेज ऑफ एसिड्स पढ़ा था, अब ये यूजेज ऑफ बेसिस है, ये देखते हैं ये क्या है। यूजेज ऑफ बेसिस की अगर बात करें तो हमारे पास है सोडियम हाइड्रोक्साइड वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट बेस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, फिर पोटाशियम हाइड्रोक्साइड है, फिर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड है और है अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड की अगर बात करें, यह है सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसका इस्तेमाल क्या है, इज यूज फॉर मैनुफैक्चरिंग ऑफ सोप, सोप में काम आता है, ठीक है। और फिर है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये किसमें यूज फॉर मैनुफैक्चरिंग ऑफ ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर में काम आता है। फिर पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, फिर पोटाशियम हाइड्रोक्साइड है, और ये किसके काम आता है, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड जो है वो अल्कलाइन बैटरीज में इस्तेमाल होता है। फिर उसके बाद मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो है ये वैसे एसिडिटी जो होती है स्टमक में, एसिडिटी हो जाती है उसके लिए इस्तेमाल होता है, खाने में ये मेडिसिन के तौर पे इस्तेमाल होता है। फिर एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड भी है, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड किस लिए यूज़ होते हैं, फॉर्मिंग एजेंट के तौर पे यूज़ होते हैं, ठीक है। और इसके बाद है अमोनियम हाइड्रोक्साइड है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड जो है बेटा ग्रीस जो स्टेन जो होते हैं दाग धब्बे होते हैं उनको साफ़ करने के लिए यूज़ होते हैं। क्लियर। होपफुली आपको समझ आएगी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।